बिहार की राजनीति लोगों के समझ से परे है। बिहार के राजनेताओं का दल और दिल कभी एक पार्टी के साथ नहीं रहता है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण नीतीश कुमार है। नीतीश सबके हैं वाला पोस्टर तो सबने देखा होगा। नीतीश कुमार अपने इस 5 साल के कार्यकाल में 3 बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ले चुके हैं। ये तो हुई राजनीति की बात, अब लौटते हैं मुख्य धारा पर। बीते 5 सालों में बिहार के अंदर बड़े बदलाव हुए हैं। प्रदेश में सुशासन का दावा करने वाली बिहार सरकार के ऊपर माफियाओं को संरक्षण देने के आरोप लगते रहे हैं। विपक्ष हमलावर तब हो गया जब गोपालगंज ये पूर्व डीएम जी कृष्ण नैया के मर्डर के आरोप में जेल में बंद पूर्व सांसद आनंद मोहन को साल 2023 के अप्रैल महीने में रिहा कर दिया गया। उनकी रिहाई के बाद दिल्ली से कर पटना तक खूब हंगामा हुआ। भारत के इतिहास आनंद मोहन पहले ऐसे राजनेता थे जिनके ऊपर मर्डर का आरोप सिद्ध हुआ, उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। इन सबसे इतर आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद मोर्चा संभाला और कहा कि मेरे पिता को इस मामले में फंसाया जा रहा है, अगर वो गलत होते तो उनको सरकार क्यों रिहा करती। अब लौटते हैं एक और बाहुबली की रिहाई के किस्से पर जिसके ऊपर AK-47 के आरोप लगे थे। मोकामा के पूर्व विधायक आनंद सिंह को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने AK-47 और बुलेट प्रूफ मामले में उन्हें बरी कर दिया। सबूतों के अभाव में कोर्ट ने उन्हें बरी किया है। पटना सिविल कोर्ट ने इस मामले में आनंद सिंह को 10 साल की सजा सुनाई थी। 2016 से ही आनंद सिंह जेल में बंद हैं। आनंद सिंह के खिलाफ फिलहाल कोई भी मामला लंबित नहीं है, लिहाजा आनंद सिंह आज या कल जेल से बाहर आ जाएंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान आनंद सिंह पैरोल पर बाहर आए थे। इस दौरान उन्होंने अपने इलाके में जदयू उम्मीदवार लल्लन सिंह के लिए खूब चुनावी मदद की। आनंद सिंह ने तब कहा था कि वो जल्द ही हमेशा के लिए बाहर आ जाएंगे। आनंद सिंह कहते रहे हैं कि उन्हें IPC अधिकारी लिपि सिंह ने जानबूझकर फंसा दिया है। हालांकि तब आनंद सिंह विपक्ष के साथ थे, अब राजनीतिक परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आनंद सिंह की पत्नी नीलम देवी जो राजद की विधायक थी अब पाला बदल कर जदयू में आ गई हैं। आनंद सिंह ने खुद पैरोल के दौरान जदयू उम्मीदवार ललन सिंह की उस वक्त चुनावी मदद की जब ललन सिंह ने आनंद सिंह के स्वजातीय वोटर नाराज थे। उनकी चुनावी गाड़ी मोकामा और आसपास के इलाकों में फंसी हुई थी जिसे आनंद सिंह ने धक्का देकर निकाला था। मोकामा को आनंद सिंह का अभेद किला माना जा रहा है। साल 2005, 10, 15 में ललन सिंह ने उन्हें तगड़ी टक्कर दी। साल 2010 और 5 में ललन सिंह रामविलास पासवान की पार्टी LJP से चुनावी मैदान में उतरे थे। एक बार ललन सिंह आनंद सिंह से महज 2000 वोटों से पीछे रह गए थे।